बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम वंस अगेन टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एस्प्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और कोशिश करेंगे कि इस अच्छी सुबह में मजीद हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें किसी न किसी शक्ल में। ऑब्वियसली हम रोज बात करते हैं कि हम प्रोग्राम के आगाज में कोई अच्छी खबर से शुरू करें प्रोग्राम को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी फिलहाल मुल्क की सिचुएशन है सैलाब को लेकर कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। और इसी हवाले से कल हमने आपको बताया था कि हम सैलाब को लेकर आज स्पेशल शो करने वाले हैं, जिसमें हम जो हमारी टीम है ऑन फील्ड मौजूद होगी और वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो इमदादी कार्रवाई है, ओवरऑल तबाही जो हम देख रहे हैं उसके हवाले से हम आपको अपडेट करें। पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध में और साउथ पंजाब में इस वक्त तकरीबन सभी इलाके ऐसे हैं जो मुतासर हैं, कोई बिलवास्ता कोई बिलावास्ता मुतासर है और बहुत ज़्यादा नुकसान है इस वक्त मुल्क भर के अंदर से जो खबरें आ रही हैं। सैकड़ों अफराद जाँबाँ हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, लाखों घर तबाह हुए हैं और देहात के देहात और बस्ती की बस्तियां मलिया मेट हो गई हैं। कल एक सोशल वर्कर हैं मशहूर कराची के, उनको हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करके आपको कह सकता हूं कि आपको पूरे वसीब के अंदर कोई कच्चा मकान नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये जगह आमाजगाह है कच्चे मकानों की, यहाँ पे सब लोग कच्चे घरों में रहते हैं और यहाँ पर खबरें ये भी आ रही कि कच्चे मकान तो दरकिनार, पक्के मकान भी नहीं बचे, कुछ बचा ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, बहुत सारे जो छोटे डैम्स वगैरह हैं वो टूट चुके हैं और तकरीबन सभी जो इलाका है वो ज़ेरे आब है। और सबसे बड़ा नुकसान न सिर्फ इंसानी जानों का है बल्कि इसके साथ साथ जो वहाँ पे मवेशी वगैरह हैं, जो लाइव स्टॉक है उसका बहुत बड़ा नुकसान है, इमलाक का बहुत बड़ा नुकसान है। और इतना बड़ा नुकसान है कि कल हमने सीएम सिंध को ये कहते सुना कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये नुकसान इतना बड़ा होगा जितनी सूरत हाल सामने आ रही है। सो इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ फंड कायम किया है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अर्ज कर रही है तमाम पाकिस्तानियों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और दुनिया भर के डोनर से कि वो आए और हुकूमत पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में मदद करें। इसके साथ साथ जी सैलाब से जहां हम बात करें, कई शहर भी डूब गए हैं। नवाबशाह एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 90% जहां इंसानी जानों के ज़िया और मवेशियों के हवाले से बात करें, 90% फसलें तबाह हो गई हैं। ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 51 के करीब मजीद अफराद जहां बाहक हुए हैं और इस हवाले से मजीद जो अभी हम इस तबाही का तखमीना जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा सकता। इंसानी जानों का जो ज़िया है वो तो हुआ ही हुआ है और वहाँ पर जो सिचुएशन है रिलीफ के हवाले से हुकूमत अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक उस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की जा सकी, दो के फौज और दीगर इदारे NGOs मुख्तलिफ इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इस हवाले से आज का हम शो बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और जो वहाँ पर हमारे पास जैसे हो सकेगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी हम मुख्तलिफ लोगों से भी इसमें बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके साथ साथ जो इसी सिचुएशन में वबाई अमराज होते हैं उनको लेकर हम मुख्तलिफ डॉक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों से इससे बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। यही बड़ी खबर है, इसी से आगाज़ करते हैं। वैसे तो हमने कुछ सिचुएशन आपके सामने रखी है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनका कहना है कि 55 लाख घराने, अफराद नहीं 55 लाख घराने मुतासर होने का खदशा है, जबकि 3 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं और सोच से भी ज़्यादा तबाही है। इस मुश्किल घड़ी के अंदर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप अपने हमवतनों के साथ खड़ा है। हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम जिस हद तक कोशिश कर सकें अपना किरदार इसमें अदा करें, इस प्लेटफॉर्म से रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ आपको अपडेट करें बल्कि रेस्क्यू रिलीफ कहाँ तक पहुँचा है इस पर भी बात करें और मुतासरीन को भी आपके सामने लाएँ, मसाइल को तरजीह दें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और यही वजह है कि हम इस वक्त इस अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जो सैलाब जदगान हैं उनके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन चलाई जा रही हैं जी, और मुतासर इलाकों से हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से आपको इस सूरत हाल से आगाह किए रखेंगे। आप इस कार खैर में हिस्सा डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा जितना हो सके। वज़ीर आज़म ने रिलीफ कैंप काम फंड कायम किया है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे निजी इदारे हैं जो कि इस सूरत हाल में काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे एक्सप्रेसो के सेगमेंट एंकर जो कि यूजली आपको टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान की खूबी और खूबियों के हवाले से आगाह करते हैं, आज अनफॉर्चुनेटली वो इस कैटास्ट्रोफी के अंदर मौजूद हैं और जनूबी पंजाब में मौजूद है। डेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तौसा डूब चुका है। वकार मलिक साहब इसी हवाले से अब बात। वकार भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तौसा शरीफ में आप किस इलाके में अगर स्पेसिफिकली बात करें मौजूद हैं और आपके साथ भी हम किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल क्या सिचुएशन है सैलाब के बाद? आपके ख्याल में जो घर है या उस तरह से तबाही के जो भी आपने मनाजिर अपनी आंखों से देखे, चाहेंगे हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें।
शुक्रिया अर्मला, मैं तौसा के नवाह में हूँ और मामला जो है यहाँ पे 25 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 अगस्त है आज, एक महीना हो गया और इस एक महीने में जो हमारी तरजीहात थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस एक महीने में हम बुनियादी तौर पे जो सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे हम इस बहस में मसरूफ रहे कि शहबाज गिल जो है उसकी जो वो वीडियो आ रही है वो उसमें असली वाला शहबाज गिल है या नकली वाला शहबाज गिल है। अब उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो मनाए हैं जो मैंने अभी देखे हैं अपनी आंखों से, ये असली वाले हैं। ये जो कसम कुर्सी है, ये जो इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, ये कुछ असली है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो तरजीहात हैं वो बिल्कुल पिछले एक महीने से दुरुस्त नहीं थी। और डेफिनेटली इसमें मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनको भी कहना चाहिए, उनको भी हम कह सकते हैं, और इसके अलावा जो हुकूमती तरजीहात हैं वो भी बहुत ही मतलब मुनासिब नहीं थी। मैं जो इस वक्त बैठा हूँ तौसा के पास, ये खैमा है अलखिदमत का, और इमरान ये जो सामान है, ये एक साहब हैं जिनका ये सामान बच्चा है, यानी ये एक संदूक है, ये कुछ सामान आप देख रहे हैं, और ये उनको अलखिदमत ने जो खैमा दिया है यहाँ पर वो मुकीम है और 6 बेटियों का बाप है। और इसके अलावा यानी यहाँ पर जो अलमिया है, अलमियों की जो दास्तान, अलमियों की जो कहानियाँ हैं, मतलब आप जहाँ पे जिस तरफ देखते हैं तो आपको अलमिया ही अलमिया नज़र आते हैं। मैं भी आपको मुख्तलिफ लोगों से बात कराता हूँ और स्पेशली ये जिसका ये सामान है और उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त जो तौसा के काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो मुतासरीन हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। ये सामान आपका बच्चा है? ये मेरा सामान है, 6 बेटियाँ हैं। आपकी 6 बेटियाँ हैं? 2 बेटे हैं। ठीक है, 6 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। उनका जो जहेज था वो भी चला गया, इसके लिए हमें सरकारी इमदाद कोई नहीं मिली। खुदा रहा, मेरा घर नहीं है, मुझे घर दें। मेरा नाम जवेद है। आपका नाम जवेद? जवेद, सैलाब जो है इसके कहते हैं ना कि सैलाब से शिकवा क्या करें, सैलाब तो अंधा पानी है। इस अंधे पानी में इमरान और अर्मला, इस अंधे पानी में लोगों की बेटियों के जहेज के सामान इसने निकले हैं, इस अंधे पानी ने बच्चों की लाशें जो हैं वो इसमें से लोगों ने निकाली हैं। और वो बच्चे जब डूब रहे थे तो वो पता नहीं किन किन को आवाज़ें दे रहे थे, अपने वालदैन को आवाज़ें दे रहे थे, और वो कितने कैसे मनाजिर होंगे जिसमें एक महीने में ये जो वसेब है और ये जो पूरा इलाका है इसमें इस कदर अलमिये जन्म ले रहे थे। और मुझे यकीन कीजिए कि मुझे बड़ा गिल्ट होता है कि हमारी जो तरजीहात थी वो भाई अभी जिस तरह से इन मौसूफ ने कहा कि अलखिदमत, आपने खुद भी बताया कि अलखिदमत ने खैमे प्रोवाइड किए और उनको हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई, तो यहाँ क्या वाकई हुकूमती कोई इमदाद, कोई रिलीफ की या रेस्क्यू के ऑपरेशन नहीं हो रहे? अर्मला, मैंने जहाँ पे अर्मला मैंने जितने लोगों से पूछा है उसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सच हैं, 2010 से चले हुए सच हैं, एक तबकाती तकसीम का सच है जो यहाँ पे मुझे नज़र आया है, जो मतलब जो लोग बता रहे हैं, जो ओपनली इस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये तबकाती तकसीम है। हो सकता है कि कच्चे घरों पर या कच्ची आबादियों की तरफ पानी का रुख मोड़ा जाता हो इंटेंशली, इस तरह के मामलात भी हैं। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ डेरा गाजी खान के जो हमारे एक्सप्रेस के नुमाइंदा हैं तारिक इस्माइल साहब, वो भी मेरे साथ हैं। मुझे थोड़ा सा फिगर बताइएगा, सिर्फ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं तौसा का। जी, हम तौसा के इलाके में मौजूद हैं। अब तक 39 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और यहाँ पर ऐसे भी लाशें बरामद हुई हैं जो ज़मीन में दबी हुई थी, जो अपने बच्चों को बचाते हुए रोज कोई की नज़र हुए हैं। यहाँ पर 39 लोगों की डेथ हो चुकी है और 500 से शायद लोग जो है दौरान फ्लड छतें गिरने से जख्मी हुए हैं। टोटल जमीन कितनी अफेक्ट हुई है? यहाँ पर टोटल इस वक्त तक 242 जो मुआवजात हैं इफेक्ट हो चुके हैं। 14 लाख एकड़ एराजी जो है जेरे आब आ चुके हैं, जिसमें से 7 लाख एकड़ ऐसी है जिस पर फसलें और बागात थे। इसका मतलब ये है कि ये जो अलमिया है ये तो एक इवेंट हुआ है ना कि यहाँ पे सैलाब आया है, कोई सलमान से ये जो आबी गुजरगाह हैं ये यहाँ पे सैलाब आया, ये तो एक है। इसके आगे अलमिया बेसिकली अब आगे है कि जहाँ पे 7 लाख जो एकड़ की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, यहाँ पे जो सुनने में आया कि सब्जी नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर है तो वो 5-7 गुना ज़्यादा, और यहाँ पे गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखिए कि अगले 3-4 महीने या 5 महीने बहुत चैलेंजिंग है। और इमरान अलबला, हमारी क्योंकि शायद वफाक जो है वो ये सोच रहा था कि ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, पंजाब ये कह रहा था कि इसमें मेरी बदनामी नहीं है, वफाक की बदनामी है, तो इस तरह का कोई
क्लियर जो है क्लियर कोई हमें मिला नहीं और ये एक, मतलब एक, एक कोई जिसको कहते हैं डायरेक्शन नहीं और ये एक लेंस है जो कि शायद चंद सेंटीमीटर बाय स्क्रीन और चंद किलोमीटर इन रियल हमें दिखा सकता है और बाकी जो सूरत हाल है वी कैन अंडरस्टैंड वगैरह भी। आप साथ रहिए जरा चूंकि हमारे साथ अक्रम भी हैं जो कि क्वेटा से हैं, जरा बलोचिस्तान की हम तफसीलात भी जानेंगे और हमारे साथ डॉक्टर फैसल भी हैं जो कि वबाई अमराज के माहिर हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि जब भी हम सैलाबजदा इलाकों की बात करते हैं तो इसमें अवाम के मुतासर होने की बात तो है ही, वो मुतासर होने के मुख्तलिफ जरिए हैं जिससे अवाम मुतासर होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये सारा मामला डिस्टर्ब होता है अवाम की जो ज़िंदगी है। इस सैलाब की वजह से एक तो जी जो सीवरेज सिस्टम है वो बुरी तरह से मुतासर होता है चूँकि ओवरफ्लो करता है पानी मुतासर इलाकों में और इसकी वजह से फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी पैदा होती हैं और सबसे ज़्यादा गेस्टो वगैरह के फैलने का खतरा होता है, जो मकामी रिहायशी हैं उनको मुतअद्दिद इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जो मुतासर इलाके हैं यहाँ पर अगर हम चंद चीदा चीदा बीमारियों के गेस्टों के साथ साथ बात करें, डेंगी है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है और मुतअद्दिद ऐसे अमराज हैं और ख़ासतौर पर बच्चों के अंदर ये फैल सकते हैं, जो वल्नरेबल एज ग्रुप है उसके अंदर ये फैल सकते हैं। तो डॉक्टर फैसल से हम जरा इस हवाले से राय ले लेते हैं कि वो तिब्बी नुक्ता निगाह से हमें क्या अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑफ एंड ऑन तो आपसे बात कोविड के हवाले से ही हुई लेकिन ये एक और जवाल हमारी कौम पे आन पहुंचा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। मैं आपसे अगर पूछूं खासतौर पे सैलाबी पानी से कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा मौजूद है और अगर कोई आर्जी किस्म का क्योर इसके लिए मौजूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट ना हो लेकिन आर्जी क्योर करें तो कैसे करें यहाँ के रहने वाले डॉक्टर साहब? डॉक्टर फैसल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आए जी जी प्लीज डॉक्टर साहब, मैंने सैलाबी पानी से होने वाली बीमारियों के हवाले से पूछा कि कौन सी बीमारियां जो हो सकती हैं और इसका हल अगर निकालना चाहें वहां के रहने वाले मकामी तौर पर तो कोई सोल्यूशन इसका नहीं? तो बिल्कुल, तो सैलाबी पानी से एक्चुअली दो किस्म के बीमारियां होती हैं, एक तो वो जो कि पानी होती है सो टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, तो उसके तो सोल्यूशन बहुत आसान है कि जो भी आप पानी लें वो उबाल के लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप पानी को थोड़ा सा फिल्टर करके जैसे कि दुपट्टे वगैरह के अंदर फिल्टर करके उसको आप पीने के जो मिनरल वाटर बॉटल होती है उसमें रख लें और धूप में छोड़ दें तकरीबन 24 घंटे के लिए, तो उसमें जरासीम खत्म हो जाते हैं। दूसरी जो बीमारियां है वो मच्छरों से फैलती हैं, डेंगी मलेरिया ये वाली चीज़ें, और उससे बचने के लिए फिर आप जो नेट होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जिस पर लगाने के लिए मच्छरों से बचने की वो, और अगर घर वगैरह आपके हैं अभी तक तो स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपने अब चूंकि सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हर एक के पास होनी बड़ी ज़रूरी होती है, आमतौर पे हम घरों के अंदर रखते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब जो लोग मुख्तलिफ तरीके से हेल्प पहुँचा रहे हैं उनको कौन सी ऐसी मेडिकेशन हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए किन बीमारियों को लेकर जो उन लोगों के पास मौजूद हों ताकि जो लोग यहाँ पर इमदाद पहुँचा रहे हैं वो भी इसके साथ को मद्दनज़र रखें? बिल्कुल, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं जो आप पहुंचा सकते हैं वो सिंपल बुखार उतारने वाली जो अद्वियात होती हैं, पैंड और कैलपॉल इस तरह की चीज़ें, और दूसरा ORS जो डायरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम सबसे ज़रूरी चीज़ें जो कि आप फराम कर सकते हैं। प्लीज़ एंटीबायोटिक वगैरह ना पहुँचाएं क्योंकि एंटीबायोटिक जो है उसका फिर ओवर यूज़ होता है जिसके दूसरे मसले मसाइल फिर शुरू हो जाते हैं, मगर ये दो तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि सबके पास होनी चाहिए कम से कम अज़ कम। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि ये सैलाब अभी हमारे साथी वकार साहब कह रहे थे कि अंधा पानी होता है और यकीनी तौर पे अंधा पानी नहीं देखता कि वो किसके घर में जा रहा है, किस एज ग्रुप को मुतासिर कर रहा है और कितना मुतासिर कर रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं और बहुत सारी खवातीन भी होंगी और बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी जो कुछ पेचीदा मसाइल का शिकार भी होंगी, उम्र रसीदा भी होंगी, तो मैं अगर बींग आपसे मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन लूँ और राय लूँ, आप कोई मशवरा देना चाहें इन लोगों को जो कि इस वक्त घर से बेघर हैं, कोई मशवरा, कोई एहतियात जो आप बताना चाहें तफ़ीज़ करना चाहें? जी बिल्कुल, तो ये सूरत हाल एक्चुअली काफ़ी बुरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये बिल्कुल है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के जो आइडियल सिचुएशन होती है। अलबत्ता जो सिंपल चीज़ें हैं वो तो हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोशिश करें कि जो भी आप पानी ले रहे हैं वो साफ हो, साफ सुथरा पानी हो, क्योंकि उससे ये करने से बहुत सारी बीमारियां इन्फेक्शन वाली जो आपसे आप बच जाएंगे। दूसरा ये कि अगर चोट लगे, ठोकर लगे कोई हो तो उसको जरूर साफ रखें ताकि जख्म खराब ना हो, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलता है।
हम और तीसरी चीज ये कि कोशिश करें कि अगर हो सके कि मतलब जिल को थोड़ा साफ रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी जब लोग बहुत करीब करीब रहते हैं तो एकदम से फैल जाती हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम भी हमें जो है हमारे नुमाइंदे हैं। मोहम्मद अकरम बहुत शुक्रिया, ऑब्वियसली आप हमें वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें जो भी बलूचिस्तान में सिचुएशन रही है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, चूँकि वकार भाई तो हमें तौनसा की बता रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पर जो मजीद बारिशों के हवाले से कहा जा रहा था, और सेकेंडली जो रिलीफ कैंप्स हैं या मुख्तलिफ लोगों को फैसिलिटीज दी जानी है, क्या वो प्रॉपर पहुँच रही हैं? जी मरमिला, ऐसा है तकरीबन गुज़िश्ता ये जो कई रोज़ से क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बल्कि मुल्क भर के इलाके में मानसून की जो बारिशों का सिलसिला तवातुर के साथ जारी था, उसमें गुज़िश्ता रात भी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज होकर रह गए। जो 4 से 5 अस्पताल हुए हैं उसमें जो है जहाँ बक होने वालों की तादाद 235 हो चुकी है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को PDMA की जानिब से जो इमदाद फराम की गई थी वो भी वहाँ पर जो है ना लोगों को आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब जो PDMA के हुकाम ने जो मालूमात शेयर की हैं उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि इस वक्त अलमिया ये है कि उन्हें इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना इस तरह से है कि क्वेटा को बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मिलाने वाली जो ज़मीनी राबता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, जो राबता पुल हैं वो टूट चुके हैं, उसके साथ साथ जो है ना जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर वो लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में भी जो मुबतला होना शुरू हो गए हैं। अभी जो है सैलाब रुका नहीं था, ख़त्म नहीं, किसी जगह पर पानी बैठ चुका था, किसी जगह मजीद फ्लो हो रहा था। अभी गुज़िश्ता रात की होने वाली बारिशों के बाद जो मजीद इम्कान है वो बढ़ जाएंगे। इस हवाले से जब हमारी डिप्टी कमिश्नर से मुख्तलिफ से बात हुई तो उनका ये कहना था चलो सैलाब में तो वो लोग जिनके घर जो है मिनदम हो चुके थे अब वो खुराक के हवाले से परेशान है, क्योंकि दूर दराज बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, वहाँ पर जो है लोगों को खुराक की किल्लत का सामना होना शुरू हो चुका है। न सिर्फ उन अजला में बल्कि क्वेटा शहर में भी अशय खुर्दोनोश की किल्लत पैदा होना शुरू हो चुकी है। ट्रेन सर्विस यहाँ पर मुअत्तल हो चुकी है, उसके साथ साथ कोचेस के जरिए जो अंदरूनी मुल्क जाते थे वो कोचेस बंद हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो लोग अपनी मदद आत के तहत जो है अशय खुर्दोनोश अंदरूनी मुल्क से मंगवाते थे वो भी मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गए। तो क्वेटा में इस वक्त जो है सब्जियां मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि अंदरूनी सूबे के जो इलाके हैं सैलाब जदगान जो मुतासरीन है उनको खुराक की किल्लत का भी सामना है, क्योंकि अगर वो सैलाब से बच चुके जो है उनको खुराक ना मिलने की वजह से उनकी जिंदगी की बाजियां वो लोग हारते रहेंगे। PDMA हुकाम का ये कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता दिनों जो है सिर्फ NDMA की जानिब से इस बड़े सूबे के लिए जो है 1500 टेंट फराहम किए गए। इतने बड़े सूबे में 235 लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, हजारों लोग जो है इस वक्त भी बेसरो सामान खुले आसमान तले पड़े हैं, NDMA ने उन्हें सिर्फ 1500 टेंट फराहम किए हैं। तो PDMA के जराये का ये कहना है कि अगर हमें बड़ी मकदार में टेंट फराहम किए जाएं तो अकरम सूबाई हुकूमत के पास अपना क्या इंतजाम था PDMA के पास, जैसे कि मुराद अली शाह ने कहा कि उनके पास 86,000 टेंट्स पहले से मौजूद थे, मजीद चाहिए, इनके पास अपना कोई इंतजाम नहीं था, ये महज हुकूमत की तब्दीलियों में मसरूफ थी बलोचिस्तान हुकूमत? यस बिल्कुल इमरान, ऐसे ही था, यहाँ पर सियासत की कुर्सी का खेल खेला जा रहा था, सिर्फ यहाँ पर अलर्ट भी जारी हो चुका था, किसी के हवाले से सुबह हुकूमत को ये नहीं था, सिर्फ एक अलर्ट जारी कर दिया वो बड़ी जिम्मा हो गए, लेकिन उसके बाद की जो ऑन ग्राउंड रियलिटी थी जो अब सूरत हाल सामने आ रही है कि कई लोग बेसरो सामान पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हम गए बरूरी रोड में, हमने वहाँ देखा लोग अपनी मदद आप के तहत जो है अपने कच्चे मकान को दोबारा से तामीर कर रहे हैं। थैंक यू, आप मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं और बड़े फैक्ट्स के साथ आप आते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर फैसल आप वाल करके फिर हम ब्रेक लेंगे। एक तो जिल्द की बीमारियों का आपने जिक्र किया, इनकी नौयत क्या होती है और क्या इससे बचाव भी मुमकिन है, और दूसरा सबसे अहम सवाल सांप के काटने का है, क्योंकि इस मौके पे सांप बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं जमीन से और सांप काटने के बहुत वाकयात सामने आते हैं, खासतौर पे ये जो रेतला इलाका है यहाँ पे और इनफेक्ट पहाड़ी इलाके के अंदर भी, तो इस हवाले से भी बीइंग मेडिकल एक्सपर्ट आप हमें कोई देखने वालों को कोई तजवीज़ देना चाहें, इसका हल क्या है? जी तो देखें, सांप काटने का ये ज़रूर है कि हमारे पास कई किस्म के सांप हैं, कुछ और उनके जहर भी अलग अलग होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर सांप ने काटा है तो उसका अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो फिर वो फैलने से रोकता है, एक दफ़ा वो ज़्यादा फैल जाए तो उसके कई मतलब दिमाग पे या जल के ऊपर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से असरात हो सकते हैं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
आम काटने का ये है कि अगर सांप ने काटा है तो फिर आप फौरन किसी कहीं से भी रुजू कर लें, बिकॉज उसका जो एंटीडोट होता है, उसका जो एंटी वेनम है, अगर वो फराम किया जाए तो फिर उसके आगे जो मसले मसाले उससे बच सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे। हम मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात करें, वकार अहमद मलिक हमारे पास अब तौंसा शरीफ से मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। सैलाब की सूरत हाल से हम आपको आगाह करें, वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है उसके हवाले से ही हमारे जो साथी एंकर है वकार अहमद मलिक इस वक्त कौनसा में मौजूद है, उनसे हम लेटेस्ट अपडेट्स ले रहे थे और क्या सिचुएशन है वहाँ पे लोगों की घरों के हवाले से और ओवरऑल क्या सिचुएशन है। वकार भाई, सबसे पहले तो आपने हमें जिस तरह से बताया था कि तौंसा के अंदर हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, इमरान उसके साथ साथ वकार भाई की तरफ जाने से पहले, हाँ मोमी सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं चूंकि इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है। पहले मैं हमें मोमी साहब से बिल्कुल सही बात कर लेते हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है, मोमी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बारिशें मामूल से ज्यादा हो रही हैं, ओवरऑल हम बात करें तो कुछ फ्लड्स का मामला है, फिर दीगर मामला इस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आपको इन बारिशों और सैलाब की सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि हमारे माहौल पे जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं इस पे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं? ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म प्लान तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करनी होगी। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह से है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है, कोई एक कंट्री, कोई एक इंडिविजुअल इसको रिवर्स नहीं कर सकता है। जिस पेस पे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से है, और उसमें सरे फहरिस्त जो है हमारे, फॉर एग्जांपल एनर्जी के इश्यूज हैं, एनर्जी इमिशंस हैं, जिससे एनर्जी जिस तरह का हम सोर्स यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, उसकी वजह से जिस तरह के इमिशंस हैं। अब डेवलपिंग कंट्री होने के नाते पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और बहुत से ममालिक जो हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर आ रहा है, और पाकिस्तान तो टॉप 10 कंट्रीज में पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गया है कि वो टॉप 10 कंट्रीज जो रिस्क जिनको ज्यादा है क्लाइमेट चेंज का उस पे आ रहे हैं। अब इस पे काबू पाने के जाहिर सी बात है या इससे निपटने के दो तीन तरीके हैं। हमें डिजास्टर्स आगे ज्यादा से ज्यादा आएंगे, जैसा अभी हमने फ्लड्स देखा, इसी तरह ड्राउट हम देखते रहे हैं, खुश्क साली, इस तरह हम हीट वेव देखते रहे। देखिए हमें अडेप्टेशन प्लान अभी तक हमारे पास नहीं है, और क्योंकि ये ग्लोबल इशू है तो इसमें बहुत से ग्लोबल पार्टीज जो यूएन है उसने इसके ऊपर सब ममालिक को कहा कि आप अपना नेशनल एक्शन, नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाए। पाकिस्तान के पास अभी तक अडेप्टेशन प्लान नहीं है, क्योंकि अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन ये है कि जो माहौल चेंज हो रहा है आपके आसपास उसमें आप ऐसे सिस्टम्स मुतारिफ कराएं जो आपको उसके साथ निपटने के लिए हेल्प करें। और एडेप्टेशन के लिए ऑफ कोर्स काफी जगह आपको बहुत से रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरत है, टेक्निकल एक्सपर्टीज जरूरत है, लेकिन हमने कहीं तो शुरू करना है, तो हमारे पास तो अभी इस तरह से एक पॉलिसी, नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसके अंदर इसका जिक्र। अब हमारे फ्लड्स हैं फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूजीलैंड में आया, लेकिन प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, आप कितने उसके रिस्क पे हैं, वो आपकी प्रिपेयर्डनेस उसको डिफाइन करती है कि आप कितना इक्विपमेंट है आपके पास, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुताबिक है, कितने आपके पास सिस्टम्स हैं। आप देखिए उन्होंने न्यूजीलैंड में फॉरन रिलोकेट कर लिया लोगों को, वहां पर उस तरह से डेथ पूल नहीं है। हमारे इधर ऑफकोर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तौर पे हमने जो इससे पहले मैदानी इलाके जेरे आप आते थे या वो इलाके जो कि ऐसी जगहों पे थे जहाँ के पास कोई दरिया है या कोई ऐसा पानी का सिलसिला है, उस वो मुतासिर करता था उनको ओवर फ्लडिंग की वजह से, लेकिन इस बार जो बारिशें हैं वो इतनी गैर मामूली हुई हैं, जैसे कि हम क्वेटा का जिक्र कर रहे थे, बलोचिस्तान में कभी इतनी बारिशें हुई, कोस सुलेबान में हम पढ़ रहे थे कि कश्मीर से लेकर ऑनवर्ड्स इंडस के साथ साथ 50 किलोमीटर में कोई गाँव बचा ही नहीं, सब डूब गया, फ्लैश फ्लड जिसे आप कहते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब ये तो जिसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से भी आगे कोई डिग्री है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है और पाकिस्तान के एटमोसफेयर पर आ रहा है मुझे लगता है। नहीं जी ऐसा ही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह, देखिए हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ रहे हैं और जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो ज्यादा बारिश होती है। अब मॉइस्चर किस तरह से होता है? जो गर्म एयर होती है उसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, और हमारे इधर हमें पता है कि साउथ एशिया में स्पेशली इस वक्त हमें जिस तरह के टेम्परेचर्स को फेस करना पड़ रहा है, आप खुद देख लें इस्लामाबाद जैसे शहर में हम 40 डिग्रीज को भी क्रॉस कर गए पिछले कुछ सालों में। तो जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपका इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे मॉइस्चर ज्यादा होगा और बारिशें ज्यादा होंगी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज अनप्रिडिक्टेबल है। एक जमाने में आज से 2 साल पहले
या तीन साल पहले एडीबी की रिपोर्ट ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा खुश्क साली होगी। अब देखिए हमारे पास पूरे साल में हमें वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए। मैं लार्ज डैम्स की बात नहीं कर रही हूँ, इस पानी को आप सेव करें वरना वाटर स्टॉक्स हो जाए, ठीक है। फिर मैं अभी एक्सपेरिमेंट भी हुआ तो उसको किस तरह अंडरग्राउंड डाला जाए, और लाहौर पंजाब में और इस्लामाबाद में उसके ऊपर काम हुआ है और बहुत अच्छा उसके अंदर हमें रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि रीलोकेशन, जब आपके ऐसे फ्लड्स आपको पता है रेकरेंट 2010 से आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपेयरनेस शुरू करने, यानी प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। मौमी साहिब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, चूंकि वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। वकार भाई सबसे पहले तो दो तीन सवाल है हमारे, सॉरी हम मेडिकल कैंप्स को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आपने जब ट्रेवल किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तो शायद रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो आ रहे हैं इमदाद के लिए, क्या चैलेंजेस हैं रास्ते में भी उनको, ऑब्वियसली जो अभी सैलाब ने तबाही मचाई है, और यहाँ जो हम ब्रेक से पहले मेडिकल सिचुएशन की बात कर रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऑब्वियसली अल खिदमत को आपने डिस्कस किया, कितने टोटल मेडिकल कैंप्स हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई भी बीमारी या कोई भी इशू उनको हो रहा है जो उनको कैटर किया जा रहा है? ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे बीमारियाँ फैली हुई हैं? बीमारियाँ फैले हैं, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, मेरे दो बेटियाँ बीमार हैं। जी जी, बहुत बच्चे बीमार होते हैं सैलाब की वजह तो। जी जी, और ये जो जितनी बीमारियाँ फैली हुई हैं आस पास, कोई सेहत के हवाले से क्या कोई हुकूमत कर रही है कुछ? नहीं नहीं, यानी यानी तो कुछ नहीं कर गई। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि मेरे साथ इस वक्त शोएब हाशमी हैं जो कि अलखिदमत से इनका ताल्लुक है, तो इनके आप मुझे बताइए मेडिकल कैंप्स जो हैं वो किस तादाद में हम लगा चुके हैं, कितने अभी हैं और कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं? अच्छा, अभी तक जो हम लोग मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश कर चुके हैं वो तो 60 हैं, जो अब तक मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो 60 मेडिकल कैंप लग चुके हैं। लेकिन ये जो आईने वाले दिन हैं इसके अंदर हम लोगों ने कोई अभी तक 300 मेडिकल कैंप्स जो हैं वो उसको डिज़ाइन किया है। और वकार साहब, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ख़ासतौर पर इस वक्त जहाँ हम तोंसा में हैं, तो इसमें इस अरसे के अंदर अलखिदमत तो हर जगह मौजूद है, वो चित्राल हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, जनूबी पंजाब हो, तो इंशाल्लाह जो भी मीडिया टीम्स जाएंगी, जो भी काम करने वाले लोग जाएंगे, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि अलखिदमत इन तमाम एरियाज मौजूद है। लेकिन इसमें जो एक ज़्यादा अच्छी बात की है हम लोगों ने, वो कोऑर्डिनेशन का काम किया है। एक मिनट इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब देखिए जो गुस्से का आलम है, जो दुख का आलम है, वो इस कदर है कि इस वक्त सारे लोग जो है वो बात करना चाह रहे हैं। आप मुझे जरा ये बताएं कि यहाँ पे कितनी हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद? हुकूमत सिर्फ फोटो सेशन के लिए आने, उन्होंने टीएडीए बन रहे पन वजीर आला और वजीर आजम ने अभी दौरा किया पिछले दो हफ्ते में, दो दफा नहीं, उधर दिल्ली खा उन्होंने इमदाद का ऐलान किया था, सिर्फ कागजी हाथ तक के कागजी कार्रवाई तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, लोग हैं चूंकि जमाते हैं, ये थोड़ा बड़ा राशन अभी कोई किसे नहीं देना लेकिन बहुत सारी अगर इंक्वायरीज खुले तो बहुत सारे नाम आएंगे कि यहाँ पे जो तजावीजात हैं, जहाँ पे जो गलत जगह पे मुझे तो लगता है डाले गए, मुझे तो लगता है कि ये जो हम हुकूमती और एहलकारों के ऊपर या इदारों के ऊपर इस तरह की तनकीद करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, इट नेवर मेक्स एन इम्पैक्ट, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप हमारे नफ्सियात भी हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ऑन ग्राउंड ये सवाल, और आप उन लोगों में मौजूद हैं जो इस वक्त उस ट्रामा से गुजर रहे हैं, जो पोस्ट डिजास्टर ट्रामा होता है जिसका वो शिकार होते हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो नफ्सियाती तनाव का शिकार लोग होते हैं, ये किस हद तक होता है खासतौर पर इस कैटास्ट्रोफी को देखते हुए, और क्या इसका कोई हल भी है, और क्या इसका हल इमदाद है, या इसके अलावा भी कोई हल है इसका? वकार भाई आपको आवाज आ रही है? हमें सुन नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, चूँकि कम्युनिकेशन का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। हम ज़रूर अगले सेशन के अंदर ज़रूर ये बात करेंगे कि जो इस वक्त ये पोस्ट डिज़ास्टर ट्रॉमा है जिससे लोग गुजर रहे हैं, नफसियाती तनाव का शिकार है, और यही नफसियाती तनाव उस गुस्से का भी बायस बनता है जिसका इजहार अभी एक यहाँ पर साहिल कह लें या शहरी कह लें जो मौजूद थे वकार मलिक के साथ, जिसका इजहार कर रहे थे। खैर, हम इसको लेकर चल रहे हैं और हमारे डिफरेंट सिलसिले हैं, मुख्तलिफ चंक्स हैं, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका जो हर जाविया है वो आपके सामने लेकर आएँ, और हर नुक्ता निगाह से
इसके ऊपर हम बात करें। क्लाइमेट चेंज को हमने का हमने जिक्र किया, मोमी साहिबा टॉप 10 में पाकिस्तान को बता रही थी। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर बात की थी, पाकिस्तान टॉप फर्स्ट कंट्री है अगर हम डेटा को उठा लें और बाकी ममालिक के डेटा को देखें तो आबादी के लिहाज से हम शायद नंबर 1 पे आते हैं, जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। और अपील फिर यही है जी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस हवाले से सामने आए, इमदाद करें। बिल्कुल, आप अपने तौर पर जो मुखय्यर हजरात हैं वो इमदाद करें, आप लोगों की जितनी मुमकिन हो सके। मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, हुकूमत अपने तौर पर हेल्प कर रही है, NGOs अपने तौर पर करें। अगर आपके पास जितनी भी कैपेसिटी है आप कोशिश करें कि आप इन सैलाब जदगान की हेल्प करें। खुद नहीं जा सकते, किसी NGO के साथ एसोसिएट हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों तक इमदाद पहुँचा रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है, ऐसे वक्त में हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम बार बार आपसे ये अपील करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो आप ये खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं फ्लड रिलीफ के हवाले से। इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ, उसके साथ साथ वहाँ से बराह रास्त सूरत हाल आवाम की मुश्किलात और मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आप खुदारा इसका एहसास करते हुए अपना हिस्सा ज़रूर डालिए लोगों की मदद के लिए। वकार अहमद मलिक हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम तौनसा मौजूद हैं। वकार भाई, एक तो आप डिटेल्स इससे पहले जो बता रहे थे बेशक उसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। विद दैट मैंने आपसे बतौर एक माहिर नफ्सियात सवाल किया था कि जो पोस्ट डिज़ास्टर ट्रामा होता है इससे बहुत सारे लोग गुजरते हैं, जो नफ्सियाती तनाव या दबाव होता है, लोगों के बच्चे बह गए, अचानक से पानी आया, बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी बात करें कि लोग इससे कैसे निकल सकते हैं और इसका इम्पैक्ट किस हद तक देख रहे हैं आप लोगों के ऊपर इस वक्त। इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो तमाम डिसऑर्डर्स की माँ होती है। जब आप इनसिक्योर हों तो वो सारे के सारे डिसऑर्डर्स आप में आ जाते हैं, वो चाहे PTSD है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो क्रोनिक स्ट्रेस है, वो आपको हर तरफ फैला हुआ मिलता है यहाँ पे। और यकीनन जो मुआशियात जो है वो यहाँ पे बहुत शदीद सफ़र हुई है। किसान जो है वो तनी हुई रस्सी से गिर गया है। और जब किसान जब गिरता है तो याद रखिएगा कि जो शाह का दरबार है उसकी दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। अब शाह को पता हो या ना हो, लेकिन यही वो टैक्स पेयर हैं, यही वो हमारी रीढ़ की हड्डी है मुईशत की। अगर आप इनकी मदद करेंगे, अगर आप इनकी इमदाद करेंगे तो ये आप बेसिकली अपनी इमदाद करेंगे, अपने मुल्क की इमदाद करेंगे और अपने मुल्क की मुईशत की इमदाद करेंगे। सो इन लोगों को, जितने भी ये लोग हैं, इनकी अगर 14 लाख एकड़ पे फसलें जो हैं वो 7 लाख एकड़ पे फसलें ही तबाह हो गई हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे 4-5 महीनों में इन पे क्या बीतेगी। लेकिन इन पे जो बीतेगी वो किसी ना किसी जगह पे जाके वो हम सबको अफेक्ट करेगी, वो चाहे यहाँ से दूर इस्लामाबाद में लोग बैठे उनको भी अफेक्ट करेगी। सो इमदाद के लिए किसी भी हवाले से जिस तरह भी हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो सैलाब, अपने जेहन में रखिएगा कि सैलाब में सबसे बुनियादी चीज़ खाना पीना होता है। क्योंकि खाना पीना जो है वो और शेल्टर, ये दो चीज़ें बहुत बुनियादी हैं। रिहेबिलिटेशन जो है वो तीसरे मरहले पे या दूसरे मरहले पे आती है। सो फौरी तौर पे जो आपको वीडियोस मुख्तलिफ देख रहे हैं कि रोटी तक के लिए लोग तरस रहे हैं, और जो कि ताई बुनियादी ज़रूरत है, तो इस वक्त एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इमदाद जो है वो बहुत ही खुले दिल से। और पाकिस्तान ने 2005 के जो जलजला था उसमें भी इस कौम ने साबित किया था, 2010 में भी साबित किया था, और आज 2022 में भी साबित करना होगा, और ये साबित करेंगे इंशाल्लाह, ये कौम जरूर साबित करेगी। एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म जो है हमारे लेकिन यहाँ पे वकार भी एक सवाल ये भी है कि ये कौम कब तक साबित करती रहेगी और कब तक जिस शाह के बारे में आपने बात की आपको खबर नहीं होगी इमरान उसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इमरान भाई इस पे एक फिक्र ले लीजिए, ये जो आपने कहा है कि कब तक, बुनियादी तौर पे जब इस तरह का सानिया होता है तो 99% फोकस बाशऊर कौम का जो होता है वो प्लानिंग की तरफ होता है, और जो हमारी तरह जिस तरह अगर बाशऊर कौम नहीं है तो फिर वो नोहागरी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल वकार भाई, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसेंगे। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या दोबारा से एक रिवाइव करने को लेकर कुछ पॉइंट को रेस किया उस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। उसके साथ लोग जो आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी हम मजीद इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके मसाइल का जो के लिए हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारी खसूसी ट्रांसमिशन सैलाब के हवाले से जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि सैलाब के बायस गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान तक हर जगह तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। सैकड़ों घर मुनद्दम हो चुके हैं, लाखों मकीन बेघर हो चुके हैं, लोगों की जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी है,
हुकूमत भी, इदारे भी, अफवाज पाकिस्तान भी इन बेघर अफराद की मदद कर रही है। मगर हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, ऑब्वियसली बार बार कहेंगे कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि अगर उनका ताल्लुक सैलाब से मुतासरा किसी भी इलाके से है, अगरचा वहाँ वो नहीं रहते, लेकिन वो उन लोगों का ख्याल करें, बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें, जिस तरह से मुमकिन हो सके रिलीफ दें, क्योंकि मुश्किल की घड़ी है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और जो दरपेश मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मसाइल तो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये दरपेश होता है कि जो लोग बेघर हो जाते हैं उसके हवाले से उनको किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 2010 और 2011 के सैलाब के बाद हज़ारों घर तामीर किए थे, और उनका आलमी इदारों ने भी इसमें साथ दिया था, और ये घर सस्ते भी थे, मयारी भी थे। इस हवाले से चूँकि अब इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और कहा जा रहा है कि हम शायद उसको वो कवरेज नहीं जिस हिसाब से सैलाब ने तबाही मचाई है, यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वकार अहमद मलिक भी हैं, उनसे भी हम फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। यास्मीन लारी साहिबा, बहुत शुक्रिया। दो की ये बहुत बड़ा एक मुश्किल वक्त है जो इस वक्त कौम के ऊपर है। ऑब्वियसली हमने 2010 और 2011 में भी देखा था कि सैलाब ने बहुत तबाही मचाई थी, और उस वक्त आपने अपने तौर पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया था। बेघर जो लोग हो जाते हैं उनको दोबारा से घरों में उनको घर बना कर देना और मयारी घर बना के देना, इट्स चैलेंजिंग। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखती हैं? देखो बेटा, पहली तो बात ये वाली कि मैं 2005 से इन्वॉल्व हूँ, और ये सबसे बड़ा सानहा है अभी हमारे सामने जो आया है, क्योंकि इतनी तबाही जलजले के ज़माने में हुई, लेकिन इतना फैलाव नहीं था। अभी तक पूरा मुल्क इसके अंदर आ गया है, मुल्क गिर ये चीज़ है, और ऐसे अजीम नुकसान सबको हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करेंगे। पहली, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आई एग्री फुली विद मोमी एंड ऑल्सो विद वकार साहब जो बातें कर रहे हैं। मेरी एक प्ली ये वाली कि प्लीज़ किसी भी सूरत में औरतों को पीछे ना छोड़ें। चौमा है तो औरतों का सबसे ज़्यादा है, बच्चों का सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज द वर्स्ट कर्स दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी। तो लिहाजा हमें ये देखना है कि हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अब क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे पता है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, मुझे पता है लोग फाके मर रहे हैं, मुझे पता है, आई सीन, आई कैन नॉट डू, मैन आई कांट बेयर व्हाट आई सी, और मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें। लेकिन हमने अब ये किया है कि हम एक बना रहे हैं फंड, जिसके जो अब बहुत सी तंजीमें खाना पहुँचा रही हैं। मेरे ख्याल में हर जगह लंगर का इंतजाम होना चाहिए कि सबको एक जगह जाए, क्योंकि खाना पकाना भी मुश्किल है। फर्स्ट दैट्स अनदर इशू, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें पंप्स चाहिए, हमें पानी निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो मैं चाहती हूँ कि हम प्रैक्टिकल काम आज से वो भी शुरू करें, जो कि जिसमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस साथ साथ हो, क्योंकि बाज अभी सानिया देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज है, दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, और हर मर्तबा हम देखते हैं कि हर साल इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती जाती है। एंड मस्ट आल्सो कि 50% से ज्यादा जो आफात हैं पूरी दुनिया में वो वाटर रिलेटेड, और ये हम पे तबाही जो आई है ये अब आसमान से आई है। ये फ्लड्स नहीं थे, ये फ्लड्स बन गए हैं। तो लिहाजा हमें बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, जो अभी भी मेरे ख्याल में हमारे हाथ में है। फसलों को बचाना बहुत मुश्किल है आज, उसके लिए मे बी वी हैव टू चेंज द होल एग्रीकल्चर सिस्टम, बट दैट्स अनदर डिबेट। और अभी मैं चाहती हूँ कि बास चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अभी हमारा जो ग्रुप है हम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात ये थी कि मैंने एक बना दी है कि हमें प्रिंस लोग भेजें ताकि हम मैपिंग शुरू करें। अब वी नीड टू डू ड्रोन मैपिंग ऑफ एवरी प्लेस विच इज़ नाउ अफेक्टेड। और फिर मैं चाहती हूँ कि हर जगह पर हम अभी भी जहाँ पे 8 से लेकर 9 इंच तक पानी खड़ा है, वो जो पानी है वो भी बड़ा डेडली है। अभी बात कर रहे थे मेडिकल कैंप्स की, अभी बहुत बीमारियां फैलेंगी, खड़ा पानी जो है बहुत ही डैमेजिंग है। अभी जहाँ पर पंप्स चाहिए वहाँ तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकती जब तक कि वो पंपिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत से इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है वो कम है और फिर भी लोग डिस्प्लेस हैं। तो वहाँ मैं चाहती हूँ लोग डिचेस बनाना शुरू कर दें। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने मेरी रहगुजर कराची में देखी, वहाँ पे वो 120 मीटर की लंबी सड़क है, वहाँ कोई वो ट्रैफिक नहीं है और वहाँ पानी नहीं आया है, वहाँ पे फ्लडिंग नहीं हुई है। हमने सारा पानी एब्जॉर्ब अपना भी कर लिया और आसपास का भी कर लिया, ये बीच अंदरून शहर में है कराची को। तो मैं चाहती हूँ हर जगह पे हम पानी का एब्जॉर्प्शन का सिस्टम शुरू करें। और इन्होंने मम्मी अच्छी बात की, पंजाब में जो कर रहे हैं, एक तो आप टैंक्स बना सकते हैं, लेकिन नाउ वी नीड टू हैव आवर लैंड विच इज लाइक अ स्पंज, हर जगह पे पानी हम एब्जॉर्प्शन की कोशिश करें, उसमें फर्टेल्स बनाएं। ये चीज़ें हम बता रहे हैं और मेरी वीडियोस मैं भेज रही हूँ जिसमें मैं बता रही हूँ कि क्या चीज़ें की जा सकती है। आई नीड मैपिंग, आई नीड, ये बड़े सब अहम नुकात है जिसपे ऑब्वियसली आप एक एक्सपर्ट हैं, तो आप तवज्जो दिला रही हैं। वकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं फील्ड से, आप उनको देख भी रही थी। वकार भाई, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू यास्मीन साहिबा?
कुछ पूछना चाह रहे थे। यासीन साहब तो बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जहाँ पे मतलब ये जो तीसरा मरला होगा ये रिहेबिलिटेशन वाला, इसके लिए किसी बड़ी एनजीओ जिस तरह अलखिदमत है या पाकिस्तान में और जो बड़े हैं जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है या जहाँ उनकी रसाई है, बहुत सारे पाकिस्तान में जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, तो कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कोई ऐसा मॉडल हाउस जो कि बनाने में बहुत आसान हो और इस तरह की जो एनजीओज हैं उनके लिए भी बनाना इन लोगों के लिए बहुत आसान हो, यानी बहुत ही कुछ साइंटिफिक तरीका, बहुत ही कोई ऐसा तरीका जो कि जिसको कहते हैं कि डू इट यूर सेल्फ वाला टाइप, तो ऐसा कोई हो सकता है डॉक्टर साहब? ऑलरेडी मकली में मेरा सेटअप है जहाँ पे हम ये बना के देते रहे गरीबों को, लेकिन अब जो मेरा फैसला है वो ये वाला है कि अब चैरिटी हमें नहीं चाहिए किसी के लिए। अच्छा। जैसे ही लोग काबिल होते हैं हम सबको सिखाएं, वो खुद बताना शुरू करें। कोई अलखिदमत, कोई बड़ी बड़ी एनजीओ, कोई हर जगह नहीं पहुंच सकती है, लेकिन लोग हर जगह पे हैं। एंड वी हैव टू टारगेट द पीपल नाउ डायरेक्टली, नो इंटरमीडियरीज, क्योंकि उसमें आधा पैसा कोई भी कहे कि कुछ नहीं चला जाता है। वी नीड टू सी कि जो हमारे पास फंडिंग आ रही है वो हम लोगों को सिखा दें क्या करना है, लोग खुद बनाएं। और मेरे लोग बना रहे हैं, आप जाइए अगर कोनू कॉलोनी में अभी 100 घर शुरू हुए, I'm so mad at myself कि सिर्फ 70 हम अभी बना सके थे, वो लोग खुद बना रहे हैं, मैं नहीं बना के दे रही, मैंने सिर्फ इनको ट्रेन किया है, खुद बना रहे हैं। और यही हमें करना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू ट्रेन एनी नंबर ऑफ पीपल, जो भी जहाँ से भी आएंगे मैं मुफ्त में ट्रेनिंग करूँगी अपने यहाँ पर भी, और मैं आई एम विलिंग टू डू इट रिमोटली ऑल्सो। हर कोई अपना एक एक कमरा ऐसा बनाए जो कि बिल्कुल सेफ हो। और मेरे जो बैम्बू के घर हैं बड़ी जल्दी बनते हैं, हम 8 की प्रोडक्शन रोज कर सकते हैं अभी जो हमारे पास, कि पढ़ा के 16 भी बना सकते हैं रोज की। और अभी 100 मैंने ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए भी तो हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए होगा ना टू रीच आउट टू द पीपल, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल हैं, एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा रिसोर्स तो चाहिए कि जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ लोगों तक आपकी अप्रोच हो और आप उनको ट्रेन करें और ये स्किल्स सिखाएं, उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा हमें। बिल्कुल है हमारे पास, मेरी वीडियोस भी हैं और भी हम बनाएंगे, लोग सेलफोन पे मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग उससे भी बना रहे हैं। लेकिन ये कि ऑफकोर्स एनजीओस कैन प्ले अ रोल, कि वो हमारी जो बात है जिस तरह से है, मैं ट्रेन करने को उनको भी तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ जो लोग हैं गाँव के लोगों को, मैं चाहती हूँ सब गाँव के लोग को मैं ट्रेन कर दूँ ताकि वो खुद ही अपना करते चले जाएँ। देखिए अनलेस यू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ पीपल यू विल नेवर गेट इट, इट हैज़ टू बी विद पीपल, इट हैज़ टू बी डायरेक्टली विद पीपल। आई रियली वॉन्ट कि फंडिंग जाए तो उनको जाए। मेरी जो कोनो विलेज है उसमें 100 खातिन ने 4 अपनी कमिटीज बनाई हैं। ठीक है, वकार यास्मीन लारी साहब हमारे साथ मौजूद है, वकार भाई भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन वकार भाई दूसरी जानिब जी पूछेगा। शायद मुनकता हुआ है। अच्छा, राबिता मुनकता हुआ है, दोबारा हमारा राबिता होता है तो आपको बता देते हैं ताकि आप भी सवाल कर लें। वकार भाई दूसरी जानिब जो गजाई किल्लत को लेकर आपने पहले भी पॉइंट रेज किया कि यहाँ पर जो लोगों को खुराक है, खाना है, ऑब्वियसली बना हुआ खाना अवेलेबल होना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ पर जिस एरिया में आप मौजूद है यहाँ पे किस तरह का सेटअप या मैकेनिज्म है कि लोगों को जो खाना है वो प्रॉपरली मिल रहा है? देखिए बहुत ही यानी इस तरह की जो सिचुएशन है यहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक इस हवाले से है। मिसाल के तौर पे इस पर जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके एक छोटा सा मछली का फॉर्म था, आपका मछली का फॉर्म मछली का चला गया 20 लाख रुपए का आपका घर भी चला गया, मछली का फॉर्म भी चला गया, जिसके पास कोई जरूरी चीज़ें थी, मतलब जो किसी ने सब्जियाँ काश्त की हुई थी वो भी चली गई, सब चीज़ चली गई थी। इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कहाँ चली गई हैं जी? कीमतें बस यो भी रोजीदार का जरिया बनाया था, बस यो मछली का फार्म बनाया था, अभी गुजारा कैसे हो गया? बस तो चिकड़ पे बैठे थे, कोई कीचड़ पे बैठे हुए हैं, कीचड़ पे बैठे हुए हैं, कोई गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, वगैरह भी एक बड़ा अहम नुकता, बिल्कुल बिल्कुल पूरे एरिया में यही सूरत हाल है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अलखिदमत फाउंडेशन इन लोगों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है, एक बड़ा अहम नुकता है। बुनियादी सहूलियात बहुत शुक्रिया चाहता हूँ, और वो इमदाद के हवाले से, चूंकि हम अपील तो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एतबार का, ट्रस्ट का इतना बड़ा मसला है, लोग जब डोनेट करते हैं वो डोनेशन उनका सही जगह पे पहुंचता नहीं है, यानी कि जरूरतमंदों तक पहुंचता नहीं है। इस ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर भी मैं चाहता हूं, आप क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं तो यू कैन एक्चुअली फील दैट पेन, वो दर्द महसूस कर सकते हैं आप जो इस वक्त वहां पे है। ये जो एतबार का या ट्रस्ट का फैक्टर है जी, कैसे इसको कायम करें, लोग कैसे ऑप्ट करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि उनके दिए हुए डोनेशन को सही जगह पर लगाएं?
देखिए एक तो ये है कि किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, ऐसी किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसके हवाले से आप किसी भी वक्त ये इस्तेहकाक रखते हो कि आपका दिया हुआ पैसा कहाँ गया है, यानी पूरे एक चेक एंड बैलेंस या ऑडिट वो उसका होता हो, एनुअल ऑडिट होता हो, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज जो इंफरादी सतह पर है, मैं आपको बताऊँ कि मैं जब आ रहा था, हालांकि मैं तो कवरेज के लिए आ रहा था, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने जो पैसे दिए यहाँ पर तकसीम करने के लिए, तो आप देखिए कि पाकिस्तानी एक बहुत खुले दिल की कौम है। मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब एक कैश की फॉर्म में, वो कैश की फॉर्म में उन्होंने कहा कि आप जाके किसी भी इस तरीके से जहां भी आप देखें मुनासिब समझिए इमदाद दे दें। तो बेसिकली इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, और इदारे कोई भी हो, वो चाहे वाले खिदमत है या कोई और इदारा है, हर वो इदारा जिसका ऑडिट होता है एनुअल, हर वो इदारा जिसका कोई चेक एंड बैलेंस है, आपकी इमदाद कहाँ जा रही है, आपको हक हासिल हो कि आप वहाँ पे उस इदारे से पूछ सकें, तो जरूर देनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जहाँ तक काम कर सकती है, हुकूमत के जो वसाइल, अभी देखिए हम यहाँ पे जब ये कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक मकामी इंतजामिया के अफसर आए, वो रुके मीडिया का कैमरा देख के, ये सारी चीज़ें देख के, और यहाँ पे पब्लिक इतनी गुस्से में थी कि उनको हम तक भी नहीं आने दिया, और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के उन्होंने गाड़ी में, यहाँ पर ये हालत है, इमदाद कोई भी नहीं पहुंची, मतलब जिस तरह से वो हमें दावे टीवी पे नजर आते हैं कि जी हमने ये भी पहुंचा दिया, वो भी पहुंचा दिया। ये भी जो नाड़ी का इलाका है, यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान, उनकी किश्तियाँ आई थी जिन्होंने उस वक्त को रेस्क्यू किया, इसके अलावा जो है यहाँ पे अलखिदमत की भी किश्ती थी और उनके भी खैमे थे, इसके अलावा मेरा ख्याल है कि यहाँ मकामी लोगों से, यहाँ पे कोई और यानी हुकूमती सतह पे कोई कुछ भी नहीं आया, कोई चीज़ हेलीकॉप्टर से गिराई, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल किसी भी। अभी तक उसने एक चक्कर भी नहीं, एक चक्कर भी नहीं लगाया, ये इमरान भाई मसला है की बात समझते हुए, बिल्कुल हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल समझ है, वो बिल्कुल चाहता हूँ कि आप अगर वहाँ पे फील्ड से हमें वकार भाई जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप कुछ भी कहना चाहें, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी बात ज़्यादा असर रखती है, आपने पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत हिस्सा, पाकिस्तान के बहुत खुशहाल लोग भी दिखाए हैं, आज आप पाकिस्तान का ये हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ मुसीबत है, सिर्फ कस्मा पुरसी है, आप इन लास्ट 30 सेकेंड्स वकार भी, एनीथिंग यू वॉन्ट टू से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुखय्यर हज़रात जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो इमदाद देने पे आए तो कमाल। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, ये तो एक सतह है, आपने इस सतह पे ये जिसको कहते हैं ना, फैज साहब ने कहा था कि उठ उठानू जट्टा, यानी इस जट्ट को आपने हाथ पकड़ के तफा उठाना है, क्यों? क्योंकि इसने आपको खिलाया है, इसने आपके बच्चों को खिलाया है, इसने आपके वो जो बड़े बड़े दरबार हैं वो बनाए हैं, जो शाही दरबार, ये तमाम चीज़ें इसने बनाई हैं, इसके टैक्सेस से बनी हैं, आज आपका काम है कि इसको सिर्फ आपने हाथ देना है, ये बहुत तकड़ा है, ये खुद ही उठ जाता है, लेकिन इमदाद के लिए कम अज कम एक दफा आपने हाथ बढ़ाना है, ये किसान उठे, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, किसी भी फॉर्म में वकार भाई बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह ये जो तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे देखने वालों तक पहुंचाए, और जो हम दावे और जो सारी बातें हम टीवी के ऊपर बैठकर सुनते हैं कि जी हमने बलूचिस्तान या ओवरऑल सैलाब जदगान के लिए बहुत कुछ कर दिया, अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड ऐसी बहुत सारे इलाकों में ऐसी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और दीगर एनजीओ जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, हुकूमत वक्त को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ना करे जिस तरह से अभी वकार भाई कह रहे थे कि जिन लोगों ने आपको खिलाया है, आपके दरबार बनाए हैं, अगर आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो आप किसकी हेल्प करेंगे, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोसनाक वाकया हुआ है, लेकिन स्टिल जी इस पर हम कोशिश करेंगे ऑन एंड ऑफ आपको अपडेट करते रहें जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, अब कुछ पंजाब पुलिस का जिक्र करते हैं जो खिदमत में जिद्दत लाने पर अपनी एफर्ट कर रही है, गामजन है अवामी मुश्किलात का फौरी अजाला और फौरी रिलीफ के लिए पंजाब पुलिस काम करिए जी, ऐसा कहना है पंजाब पुलिस का। आईजी पंजाब फैसल शाहकार साहब ने पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया है, जिससे जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी शिकायत का इजाला किया जा सकेगा। पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर 0331
787 है, इस पर पुलिस की तमाम सर्विसेज व्हाट्सएप पर दस्तियाब होंगी एंड वी बिलीव कि काफ़ी इंप्रेसिव हो सकती हैं। इसीलिए हमने बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस वकास नज़ीर, जिनसे हम डिटेल्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकास साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस व्हाट्सएप सर्विस के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनकी शिकायत के लिए ये सर्विस का आगाज़ किया गया है, अब रीजन्स को लेकर और इसके साथ साथ क्या 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 सहूलियात और सर्विसेज इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगी सर्विस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पंजाब पुलिस ने जो हाल ही में दो सर्विसेज का आगाज किया है, इनमें से पहली पंजाब पुलिस की व्हाट्सएप सर्विस है। ये बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस का एक पोर्टल है जिसपे पंजाब पुलिस की 15 मुख्तलिफ सर्विसेज जो हम ऑनलाइन पहले फराहम कर रहे हैं अब वो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल होगी। चूँकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आजकल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का जो है वो ज़्यादा मीडियम बन गया है, तो हमने अपनी प्रेजेंस वहाँ तक एक्सटेंड की है। हमारी ये 15 सर्विसेज जो हैं उनके लिए ये एक हब है, इनके ज़रिए आप FIR दर्ज ना होना, तफ्तीश से मुतालिक शिकायत, आप अपने घरेलू मुलाजमीन की तस्दीक करना चाहते हैं, किराएदार की तस्दीक करना चाहते हैं और दीगर इस तरह की हमारी 15 जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन तक व्हाट्सएप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे पहले तक वो खिदमत मरकज के जरिए या हमारे पुलिस स्टेशन के जरिए वॉक इन फैसिलिटी था, यानी आपको कोई भी पंजाब पुलिस से मुतालिक मामला या शिकायत होने की सूरत में वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना होती थी, तो अब इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर कहीं से भी शहरी हमसे बराह रास्त रब्ता करेंगे और उसको इसी तरह हम ट्रीट करेंगे जिस तरह वो वॉक इन कंप्लेंट हुआ करती थी। अच्छा। सो जिस वक्त हमारे पास कोई कंप्लेंट मौसूल होगी उसका ई टैग या ट्रैकिंग नंबर इशू कर दिया जाएगा जिसके जरिए शहरी अपनी कंप्लेंट का पूरा लाइफ साइकिल ट्रेस कर सकेंगे और किसी भी वक्त जान सकेंगे कि उनकी कंप्लेंट पे अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो इसके लिए वकास नज़ीर साहब बुनियादी पीस क्या बनाए हैं आपने इस पे अमल करने के लिए? एक तो क्योंकि व्हाट्सएप इज अ सोर्स ऑफ वॉइस कॉल, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स एज वेल, तो जो सारिफीन हैं वो क्या SOPs हैं कि इस SOP के तहत वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे? तरीक़ाकार क्या रखा है आपने, ज़रा फर्दर एक्सप्लेन। जी, ये जो हमारी व्हाट्सएप सर्विस है ये बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि पोर्टल है, इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कुछ सर्विसेज में आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, जिस तरह IG कंप्लेंट सेंटर 1787 जो हमारा हेल्प लाइन नंबर है वहाँ पे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारी डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ और टेनेंट रजिस्ट्रेशन की सर्विस है वहाँ पे जाके आप सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं और मैसेजिंग कर सकते हैं। सो ये 15 सर्विसेज हैं जिनमें हर एक का इंटरफेस डिफरेंट है और जो ही आप इस पे राबता करते हैं तो एक खुदकार निज़ाम जो है आपको गाइड करता है कि आप इस सर्विस से किस तरह बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा वकास जी साहब, दूसरी जानिब जो ऑथेंटिसिटी का मामला है, ऑब्वियसली जब एक शिकायत दर्ज होती है तो उसको भी वेरीफाई करना कि शिकायत दुरुस्त है या नहीं और फिर आगे से उसका रिस्पॉन्स टाइम, जिस तरह से आप खुद भी पहले अपने जवाब में मेंशन कर रहे थे, इसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया? जी, ये सिर्फ हमारे और शहरियों के दरमियान एक नया इंटरफेस है। जो भी हमारे पास कंप्लेंट या मामला या दरख्वास्त आएगी इन सिस्टम्स के थ्रू उसको हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह कानून के मुताबिक हम वॉक इन कंप्लेंट्स को या हाथ से दी गई दरख्वास्त को कंप्लेंट करते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले तमाम हकायक की तस्दीक की जाएगी और जैसा मैंने आपसे कहा कि खुद कार ऑटोमेटेड रिप्लाई सिस्टम के जरिए शहरी को या दरख्वास्त दहिंदा को आगाह किया जाता रहेगा कि उनकी दरख्वास्त पे अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। एक दफ़ा हकायक की तस्दीक होने के बाद अगर FIR दर्ज करना मकसूद है तो FIR दर्ज हो जाएगी। अगर ट्रैफिक से मुतालिक, पुलिस के रवैये से मुतालिक या दीगर किसी मामले से मुतालिक कोई भी एक्शन लेना दरकार होगा तो वो एक्शन ले लिया जाएगा और उसकी इत्तला वक्तन फवक्तन जो है शहरी को दी जाती रहेगी। ठीक है। और एक और बड़ा अहम नुक्ता है,
जी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। साथ एक और बड़ा नुकसान, कल मैं इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट पढ़ रहा था जो ऑफिशियल उनका हैंडल है, जिसमें वो कुछ लोगों से गिला करते नजर आ रहे थे कि ये जो उनकी सपोर्ट सर्विस है उस पर बहुत फोर्स कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं। वो कुछ 70,000 में से 64,000 लिखा हुआ था कि फेक कॉल्स हैं और लोग उसको मिस यूज़ करते हैं। तो ये सर्विस तो अच्छी है, आवाम की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन इसका मिस यूज़ भी शुरू हो जाता है। इस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें वकास साहब। जी, मैं पहले जो आपसे शेयर कर रहा था उसमें हमने अपना जो क्लाइंट बेस है या ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को सहूलत फ्राहम करने के लिए ये सहूलत भी फ्राहम की है कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में टाइपिंग करना नहीं जानते तो आप अपनी जो दरख्वास्त है वो पेपर पे लिख के उसकी तस्वीर लिख के भी हमें अपलोड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस सर्विस से इस्तेफादा कर सकें। बदकिस्मती से जब भी कोई इस तरह का इंटरफेस फ्राहम किया जाता है तो कुछ गैर जिम्मेदार शहरी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने इस्लामाबाद के हवाले से बात की, हमारे यहाँ भी जो हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 है वहाँ पे भी क्रैंक कॉल्स और गैर मुतल्लिका कॉल्स की शिकायत आम है, लेकिन इस सर्विस में हमने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए एक सहूलत ये दी है कि जब आप इस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे, अपना CNIC देंगे। अच्छा, सो दैट ये अच्छा है। तो कासर चले, हम सेव कर रहे हैं आपका नंबर जो आप बता रहे हैं और जरूर किसी दिन कोशिश करेंगे। अल्लाह करे अच्छा रिस्पांस आए तो तारीफ करेंगे, और अल्लाह करे हमें शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा हुआ तो तारीफ करेंगे, नहीं हुआ तो दोबारा फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वकास नजीर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। नया व्हाट्सएप सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई गई है पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसमें आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप वॉक इन कंप्लेन होती है व्हाट्सएप नंबर पर, एग्जैक्टली, अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है तो ये नेमत है शहरियों के लिए। ऑब्वियसली आपको पुलिस स्टेशन जाने और सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में। आगे आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करती उस वक्त नज़र आती थी, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए वादे भी किए जाते थे। लेकिन मेरे लहजे में थोड़ी शिद्दत शायद कम लगे आपको, चूँकि अभी तक मिला नहीं है मुझे बिल, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो सरापा एहतजाज। हाँ जी, और उसका मनाजिर आज हमने सुबह ऑफिस आते हुए देखे, हुक्मरानों को जी लोग एग्जैक्टली दुहाइयाँ देते नजर आते हैं। वज़ीर आज़म ने दौरे कतर के दौरान बिजली के बिलों पर आवाम और ताजरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस रियायत से 1,71,00,000 सारफीन मुस्तफीद होंगे और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 200 या इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को माफी मिलेगी। बिजली सारफीन को जी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है और बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स को खत्म करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने वफाकी हुकूमत FBR लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी LESCO समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है और 14 सितंबर को इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। आज हम एनर्जी एक्सपर्ट असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है ये है क्या, और जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजली का भारी बिल बनाने में किरदार अदा करती है, इस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज कल तो हम देख रहे हैं हर शख्स बिजली के बिलों से परेशान नजर आता है और हमने अपने बिलों के लिए भी देखा है, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट का हमें थोड़ा सा बता दें और साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कि हमारे जो बिजली के बिल हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली बिल्कुल आसान अल्फाजों में अगर इसको बयान किया जाए तो जितने भी बिजली बनाने वाले जो हैं कारखाने हैं और वो जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की शक्ल में, उसकी जो उनको जो कीमत ख़रीद आती है उस कीमत ख़रीद के मुताबिक जो फिर गवर्नमेंट एक ख़ास तबके को, एक ख़ास कंज्यूमर सेट को जो है सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने जो है जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने अपने जो नुकसान को अजाला करने के लिए, या आप ये समझिए कि जो एक्चुअल कीमतें ख़रीद है वो पूरी करने के लिए NEPRA जो है वो फिर उनके साथ बकायदा प्राइस सेटलमेंट्स होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर ये बड़ा भी है तो किसी ऐसे टाइमिंग्स भी आए थे कि जहाँ पर इसके ऊपर आपको बिल्स के ऊपर डिडक्शंस भी मिली थी कीपिंग इन व्यू इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। तो ये चीज़ें तो कुछ इंटरनेशनल खरीदो फरोख्त वाला मामला आम इंसान आम आवाम के कंट्रोल में तो इस तरीके से नहीं है,
जो कि जिसपे मुतलिक इदारों को जो है वो अपना फ्यूल मिक्स और उसको देखने की ज़रूरत है कि अफोर्डेबल एनर्जी हर इंसान को मुहैया हो बेसिक राइट के तौर पे। तो जो इसके अलावा जो आम इंसान आम सिटीज़न को पाकिस्तानी कंट्रोल कर सकता है वो अब जो अभी जिस तरह बताया गया आपने खुद जिक्र किए कि 200 यूनिट तक जो है वो अगर जो कंज्यूम करेगा वो मुबर्रा होगा इस तरह के चार्जेस से। और लेकिन अब ये चीज़ है कि लोगों को अपने क्या डेली की कंजम्पशन का यूनिट्स कितने कंज्यूम होते हैं या लेकिन असद एक यहाँ पे जो की क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस है या इन एडजस्टमेंट्स की वो सब पे एक जैसी क्यों है? वो हायर इनकम ग्रुप पे हायर क्यों नहीं और लोअर इनकम ग्रुप पे लोअर क्यों नहीं? हम 200 यूनिट तक तो इसको महदूद करते हैं। 200 यूनिट मेक्स नथिंग जी। मुझे लगता है जिस घर में 3-4-5 अफराद रहते हैं वहाँ पे 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं करता, जहाँ पे सिंपल एक टेलीविजन और फ्रिज चलता है। तो ये तो ऐसे है कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो ये इसको ऐसे क्यों नहीं डिफाइन किया जाता कि कम इनकम क्लास के ऊपर कम बोझ पड़े और ज्यादा वाले पे ज्यादा पड़े? जी ये तो बिलिंग के हवाले से सारे पैरामीटर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी एक लाइफलाइन कंज्यूमर्स को डिफाइन किया हुआ है जिसको ऑलरेडी 500-600 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जा रही होती है या इसे जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का जिक्र किया जाता है उसके लिए। तो नॉर्मली जिस तरह आपने सही वजह फरमाया कि अगर किसी भी जगह पर 100 वाट का पंखा अगर 10 घंटे के लिए चलता है तो वो आपका एक बिजली का यूनिट कंज्यूम कर लेता है। तो 30 दिन अगर एक ही पंखा चलेगा तो आपके जो हैं वो आपका जो है 30 यूनिट एक पंखा ले रहा है। तो जब 2 पंखे चलेंगे 3, तो बेसिक इस्तेलाह इसको इस तरीके से लिख लें। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आम सिटीज़न जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं कि अब 200 यूनिट तक तो जिनको एक फैसिलिटेशन मिल रही है तो वो एटलीस्ट अपने डेली की कंजम्पशन को नोट करें। और जो इस तरीके से जो लोड्स हैं आपके जिस तरह वॉशिंग होगी कपड़ों का इस्त्री करना वो अब पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स का ख्याल रखते हुए अपने महीने के एंड पे अमेंड करके। अच्छा आपने खुद भी कहा कि ये लोगों को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा, लेकिन स्टिल अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता कि जो वो घर में अपनी आम रूटीन में अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों की गाइडेंस के लिए मैं चाहूंगी कि आप बेसिक जो चीजें हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये बिजली के बिलों में इजाफे की एनर्जी कंजम्पशन को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको हम रिड्यूस करें, कुछ मॉडिफाई करें अपनी चीजों को, उस हवाले से गाइड कर दें। जी अभी तो फिलहाल सबसे ज्यादा गर्मियों का सीजन चल रहा है तो पंखा इज द मोस्ट कॉमन थिंग और बाकी आपके पास स्टैंड बाई लॉसेज जो हैं आपके हर घर में 5-5, 10-10 अडॉप्टर्स आ गए हैं उनको डीप प्लग करना। इसी तरीके से आपके जो एक बुज़ुर्गों के साथ मशवरा चल रहा था कि पुराने ज़माने में आपको पता है टाइमिंग्स होते थे जिसमें एक टीवी होता था, अब हर घर में हर कमरे में एक एक टीवी है तो नॉर्मली हर बंदा अपनी चॉइस पे देख रहा होता है या मोबाइल्स पे देख रहा होता है। तो पहले एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, एक हमें बेसिक जो हमारा एक रहन सहन का तरीका था टीवी लॉन्च में सारे इकट्ठे होते मिलते जुलते आपस में। तो ये पीक आवर्स में तो एटलीस्ट ये मिलने जुलने वाला जो है ना हमें रिवाइव करना पड़ेगा माहौल ताकि जो आपके डिफरेंट जगहों पर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं एसी की शक्ल में आपके टेलीविजन्स की शक्ल में तो एटलीस्ट एक जगह सारे आपस में मिल भी बैठेंगे और खातिर खा तक आपका जो जो पीक आवर्स का जो लोड है वो भी कम हो सकेगा। इस्त्री के हवाले से है आपके जो पीक आवर्स में आप इस्त्री ना करें, अभी 7 से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये 3-3 महीने का दौरानिया होता है पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स का। तो ये 7 से 11 का जो टाइम है इसके अंदर जो है आप कोई भी लोड जिस तरह माइक्रोवेव ओवन हो गया या अगर आपने किसी की दावत भी करनी है मैं तो ये बोलूंगा कि आप पीक आवर्स में ना करें, उनको पीक आवर्स से पहले अच्छा आपने चूंकि डॉक्टर्स का जिक्र किया थोड़े से कान खड़े हो गए मेरे, ये जो मोबाइल चार्जेस लगाए रखते हैं हम ये भी ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं ऐसा है? जी वो जो हम एक लफ्ज भी यूज करते थे आपने सुना होगा जीरो का बल्ब असल में कोई होता नहीं है, वो 0.5 वाट या कुछ ना कुछ एक वॉटेज जरूर ले रहा होता है और वो करते कराते जब पूरे पाकिस्तान के 220 मिलियन जो अफराद मिलके अगर एक एक जीरो का वॉट का बल्ब भी अगर ऑफ करते हैं तो बेशबहा फायदा इसका आ सकता है आपके जो पावर। अच्छा चूंकि आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी असर बहुत नजर रखते होंगे आई बिलीव, ये इतनी ज्यादा कमियां सारा कुछ आवाम करे, दूसरी जाने प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट, कैबिनेट डिवीजन, इन सब की लाइट्स नहीं बुझती हैं, इन सब के एसी विंडो एसी चलते हैं यहाँ पे और मुसलसल चलते हैं और कुछ अफसरान तो 6-6 घंटे दफातर के बाहर रहते हैं एसी चलता रहता है, दफातर में 3-पीस सूट पहन के आते हैं और उनको ठंड लग रही होती है, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, कोई इसको चैलेंज भी करना चाहे तो कर सकता है, इनका क्या करें, ये खर्चे हम कैसे कम करें, ये लाइन लॉसेज वहाँ से कम क्यों नहीं होते, हम अपनी मैनेजमेंट वहाँ पर क्यों ठीक नहीं करते जिसका बोझ आवाम पर पड़ता है?
बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का पहला प्रेसिडेंट हाउस है जो पूरा सोलराइजेशन पे चल रहा है और आपकी वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई हुई हैं। और सिमिलरली जो CDA है, क्योंकि जितनी आपने महकमों का जिक्र किया अभी, ये सारे वजारतें जो हैं ये CDA बिल्डिंग्स को मैनेज करता है, और एक कुछ प्रोग्राम्स डेवलपमेंट पार्टनर और मुतलिका यहाँ पर जो हैं आपके फेडरल डिपार्टमेंट कुछ मिल के एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें अप्लाइंस रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पर फोकस करें और सोलराइजेशन पर फोकस करें, तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन बिल्डिंग्स का हमारा सिलसिला ये है कि जो बिल्डिंग कोड उसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसको ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड्स के जो न्यू लोड आना है ग्रिड पे एटलीस्ट वो एफिशिएंट हो, अप्लायंसेस मार्केट में एफिशिएंट आएं, तो इस पे जो लेबोरेटरीज नहीं थी पाकिस्तान में पहले वो बन चुकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मतलब कुछ इकदाम हुए हैं लेकिन ताखीर मजीद करने की जरूरत है, एक लाइफस्टाइल तब्दील करने की जरूरत है ताकि जो बोझ है नेशनल ग्रिड के ऊपर वो कम रहे। वैसे ट्रेड डेफिसिट हमारा कुछ कम हुआ है जी, मैंने खबर पढ़ी, एक अच्छी खबर है, तो हमने कहा ये भी आपको बता दें। और उम्मीद है कि पिछले साल से इस साल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स पे हमने बहुत ज़्यादा बैन लगाया और बहुत हैवी टैक्सेस भी लगाए हैं। इसका कुछ नुकसान भी है लेकिन फ़ायदा भी है। एनर्जी क्राइसिस है मुल्क के अंदर, अल्लाह करे हम इससे निकलें। कोशिश करें आप अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा तब्दील करें, रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, अंधेरे के अंदर ज्यादा कोशिश करें कि आप लाइफ अपनी जिंदगी में उजालों के लिए कोई और उजाले कम कर ले जिंदगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। शो का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन हमारे पास दो अहम चीजें थी, लेकिन सबसे अहम चीज जो है जाने विराट कोहली आके उनको बकअप करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, और ये बहुत अच्छा क्लिप था, हमारा दिल किया इसको शेयर करना चाहिए, ऑब्वियसली ये बड़ी अच्छी चीजें। अब हमारा ये भी दिल कर रहा है कि आपको आखिर में कुछ शायरी सुनाते जाए। आज अहमद फराज जो कि तरक्की पसंद शायर हैं जिनका नाम ही काफी है, एतिहाज़र के सबसे मकबूल शायर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उर्दू शायर अहमद फराज, उनकी 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए, उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज ने उर्दू और फारसी में एमए किया और उन्होंने दौरान तालीम रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर लिखना शुरू किया। उनकी मशहूर तसानीफ में दर्द आशू नायाफ्त, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, पस अंदाज मौजम, सब आवाज़ें मेरी हैं, और ये सब शामिल हैं। अहमद फराज ने आदमजी अदबी अवार्ड और अब्बासीन अवार्ड हासिल किया। सुना है लोगों तो मरासिम थे कि आते जाते, रेस्ट इन पीस अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब को हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। फीडबैक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।